नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें या फिर भारतीय वायुसेना में कैसे जाएं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप 12वीं कक्षा एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सभी सवालों से जुड़ी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से हो जाए और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के कई ऐसे युवा हैं जो भारतीय सशस्त्र बल में जाना चाहते हैं। इनमें से एक है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, जिसमें जाकर देश की सेवा करने का सपना कई जवान देखते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती। दोस्तों जो भी उम्मीदवार भारतीय वायुसेना में जाने की इच्छा रखते हैं, वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर फ्लाइंग टेक्निकल या फिर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में एक अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है और देश की रक्षा में अपना अहम योगदान देती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की अच्छी खासी जानकारी आपके पास होगी। चलिए जानते हैं 12वीं कक्षा के बाद वायुसेना कैसे ज्वाइन करें, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में 12वीं कक्षा के बाद कैसे जाया जाए। यदि आपका सपना बचपन से ही आसमान में उड़ने का है और आपका स्कूल खत्म करने के बाद आप तुरंत वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित NDA की परीक्षा में शामिल होना होगा। NDA की परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोस्तों भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आपको इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि 10वीं 12वीं की गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में आपके 50% अंक होने चाहिए और अंग्रेजी में भी 50% अंक होने चाहिए। और यदि आपने इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्था से डिप्लोमा कोर्स किया है तो उसमें भी 50% अंक आपके पास होना आवश्यक है, और अगर उसमें अंग्रेजी विषय है तो उसमें भी 50% अंक आपके पास होने चाहिए। यह आंकड़े पोस्ट के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसमें उम्र सीमा कितना मांगा जाता है। दोस्तों इसमें उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष 6 माह से लेकर 19 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें आयु में छूट दी जाती है। अब आता है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक मापदंड के बारे में। इसमें कुछ योग्यताएं शामिल होती है, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु के हिसाब से उम्मीदवार का वजन होना चाहिए, महिलाओं के लिए ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उम्मीदवारों की सुनने की शक्ति दोनों कानों से 6 मीटर तक होनी चाहिए। इसके साथ ही पुरुष की छाती फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तक बढ़ना चाहिए। तो इतनी योग्यताएं किसी उम्मीदवार के पास होनी चाहिए तभी वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों क्या आप 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल होने का अवसर खो चुके हैं, तो चिंता ना करें। आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होने के बाद भी IAF इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बहुत सारे अवसर हैं। UPSC स्नातक उम्मीदवारों के लिए CDSC और NCC विशेष प्रयोजना पर आयोजित करता है। अब CDSC क्या होता है, CDSC एग्जाम क्या होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच में ट्रेनी पायलटों के लिए CDS की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के लिए केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होते हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर साल में 2 बार UPSC CDS की परीक्षा आयोजित करती है। इसमें जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उन्हें विशेष उड़ान प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही यदि बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप फ्लाइंग शाखा के अलावा भारतीय वायुसेना में ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, एजुकेशनल ब्रांच और मेट्रोलॉजिकल ब्रांच आदि शामिल होते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए केवल इतनी जानकारी काफी नहीं है, इसके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स भर्ती से जुड़ी सिलेबस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती से जुड़ी सिलेबस के बारे में। दोस्तों भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए आपको अलग अलग पद के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी होती है, जिनके सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, भौतिक, गणित, तर्क, सामान्य जागरूकता आदि। आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार आप जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको किस चीज की पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें इसके संबंध में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है कि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।